अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अरीशा लाइफ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू किचन। तो जी आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का जो स्टोव था वो चल गया, स्टार्ट हो गया। आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा ही है। और आज जो है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने बच्चों का बना के दिया जी पैनकेक। और बच्चे सो एक्साइटेड हैं गाइस, आर यू एक्साइटेड नाउ? टाइम के बाद जाके हमें पैनकेक जो मिक्सर ये मिला है, ये बहुत ईजी होता है बनाने में, बहुत ईजीली आप बच्चों को ये बना सकते हो। तो अपने घर में बच्चे खा भी लेते हैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और इसके साथ ये सिरप मिलता है एक पैनकेक का। और यहाँ पे ये मुसम्मर का पैनकेक रेडी हो गया है। ये रिहान का है, ये अरीशा का है, साथ में ये मिल्क बन रहा है वो है मेरा और मिकाइल का। तो चले अभी हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर आज आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। आज हम लोगों ने घर में माशाल्लाह लंच भी बनाना है, और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ काले चने चावल। यहाँ जो है ना, मैंने दोपहर के लिए लंच रख दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने काले चने रख दिए हैं, सारे मसाले डाल के, सारे जितने भी स्पाइसेस सब डाले, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज सब डाल के तो मैंने रख लिया है। और किचन भी मैंने एकदम साफ़ कर लिया है, बस अब क्लीनिंग बाकी रह गई है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं खाना रख लेती हूँ, और इसके बाद अब क्योंकि मिकाइल ने बहुत शोर डाला हुआ है तो बस मिकाइल को मैं पहले सुलाती हूँ एंड देन उसके बाद मैं काम करती हूँ ना। मैंने भी खुद सारी सफाई की है, पूरे घर की क्लीनिंग करके थक के मैं बैठ गई हूँ, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको खाली कर लूँ। और यहाँ अरीशा ने मिकाइल को क्या बना दिया है, डोरा बना दिया है। क्या हो गया मिकाइल क्या बन गया? मिकी माउस बन गया, मिनी मिकी माउस बन गया। अभी जस्ट मैं यहाँ रेस्ट करने आई थी कमरे में, तो मिकी माउस बन गया। और बाहर वेदर देखिए, खाना जो है बन रहा है। खाना बनाते बनाते हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं आ रहा हूँ जल्दी, बच्चों के स्कूल जाना है एडमिशन करवाने, तो खाना मेरा वहीं पे रह गया। और फिर अभी हम लोग निकल पड़े हैं जिस स्कूल के लिए। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपने मेरी लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दो स्कूल का विज़िट कराया था, और उनमें से हमने कौन से स्कूल में इनका एडमिशन करवाया है वो आपको बस इसी वीडियो में थोड़ी देर में आगे पता चल जाएगा। तो मौसम बहुत अच्छा था और मैंने यहाँ हाईवे से ना थोड़ी वीडियो बना ली कि चलें थोड़ी वीडियो आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ हम आ गए स्कूल फाइनली, बच्चों के लिए हमने IAS के ही सिलेक्ट किया क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था, इंटरनेशनल स्कूल कुवैत। यहाँ बस वेट हो रहा था कि बच्चों का उन्होंने टेस्ट लेना था, तो ये तीनों को अंदर ले जाएंगे। और आधा घंटा कह के इन्होंने घंटा लगा दिया, उसके बाद फिर पेपर वर्क, और काफ़ी मतलब लंबा टाइम लग गया था, 2-2.5 घंटे लग गए थे। और मैंने इनको बोला मैंने नहीं जाना, आप खुद इनको ले जाओ, बट उन्होंने बोला कि हो सकता है कि रिक्वायर्ड हो के पेरेंट्स दोनों हो, तो बट है नहीं विज एडमिशन हो गया। और एडमिशन के बाद जो है हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मैं आ गई थी घर। और शाम में जब भी घर आए तो कहने लगे चलो थोड़ी ग्रोसरी कर रहे थे, क्योंकि जब से मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ मेरे घर में प्रॉपर ग्रोसरी नहीं रही। जो चीज़ चाहिए होती है मैं छोटी जमिया से एक एक करके ले आती हूँ। तो यहाँ जो है हम लोग ग्रोसरी करने आ गए थे। मैं कहा इधर आ भैया, इधर भी आ जा। मैं कहा चला जा। अभी जो है हम लोग घर आ गए थे और ये सारी ग्रोसरी करके आए हैं क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। इसके बच्चे अपने अपने सामान पे लगे हैं, बोतलें पोतले, सीरियल, साबुन, टिशू, बाथरूम टिशू, पानी वगैरह, स्नैक्स, नोट, मसाले मसूले, आटा, हर चीज़ लेके आई हूँ। ये बॉक्स भी लेके आई हूँ, तो हाँ आटा भी साइड पे कर दो। तो चले मैं ये इनको ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी मैं फाइनली यहाँ पे ये लेके आई हूँ मोरा स्पिन। तो ये ब्लैंकेट है, तो इसका फेस रिवील करती हूँ। 1, 2, 3 लेकिन डील में मिला मुझे 29 kg का, आई थिंक 29-30 kg का। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं और इसको आज इंजॉय करते हैं। 1, 2, 3 गो। ये ऐसा है कुछ, और अब इसको निकालते हैं। Oh, it's so soft. Can I have a
मेरे अक्षय कुमार ये है अक्षय कुमार का टैग, ये है अक्षय कुमार का कुंबल और ये है जी। हाँ ये अपने बॉक्स उधर को खोल के दिखाती हूँ, बॉक्स उधर को हाँ तो प्रॉपर खोल के डिज़ाइन दिखाती हूँ इसका, इसका डिज़ाइन ये देखिए ये ऐसे है जी माशाल्लाह। तो आज की वीडियो ना बस इसी ब्लैंकेट पे ख़त्म करती हूँ। वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दीजिएगा, अपना ढेरों सा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नया व्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अदर व्लॉग के साथ आप लोग के सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह।